बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश लेक्चर फॉर क्लास 4। ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 35। टुडे वी रीड अ न्यू यूनिट, यूनिट नंबर 6, फीमेल एजुकेशन। नाउ वी स्टार्ट अ रीडिंग। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी चाइल्ड, वेदर इट इज बॉय और गर्ल। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है हर बच्चे के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। नाउअडेज फीमेल एजुकेशन इज कंसिडर्ड प्री रिक्वायर्ड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन। तालीम के बगैर एक कौम तब ही कामयाब हो सकती हैं जब फीमेल एजुकेशन भी उसमें हो। नो कंट्री कैन मेक प्रोग्रेस विदाउट फीमेल एजुकेशन। नाउ वी डिस्कस कि फीमेल एजुकेशन के बगैर भी बगैर कंट्रीज जो है वो प्रोग्रेस यानी आगे नहीं बढ़ सकती। बॉयज एंड गर्ल्स, नाउ मूव ऑन पेज 36। बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। एक माशरे में लड़के और लड़की की एक ही अहमियत होती है फीमेल उसके लिहाज से, पढ़ाई के लिहाज से। Not only boy but also girl should get education to build a healthy society. Get education to build a healthy society. एक माशरे को एक मजबूत जो है वो औरत और मर्द दोनों ही तालीम हासिल करके बना सकते हैं। A mother is the first teacher of her child. एक माँ अपने औलाद की पहली उस्ताद होती है जो उसको तरबियत देती है। It is necessary to educate the mother so that her children may grow as perfect individual in society. We should educate one woman, we educate the whole family. अगर एक फैमिली में एक फीमेल एजुकेट होती है तो सारी फैमिली में एजुकेट हो, सारी फैमिली जो है होती है वो एजुकेटेड होती है। By education a boy we educate one person. Has never said give me an educated mother, I shall give you an educated nation. इसका मतलब यही है कि जैसे एक घर में एक औरत एजुकेशन हासिल करती है तो वो अपने पूरे घराने को एक एजुकेट फैमिली की तरह रखती है। फीमेल डू देयर बेस्ट नॉट ओनली हैज मदर बट आल्सो हैज नर्स। एक नर्स के तौर पर, एक टीचर्स, डॉक्टर, हेल्थ विजिटर्स एंड सुपरवाइजर। एन एजुकेटेड फीमेल कैन कम बिकम अ हेल्पिंग हैंड फॉर हर फैमिली। ऑफकोर्स जब एक एजुकेटेड फैमिली में एक लड़की होगी तो वो ही अपने घर को अच्छे से संभाल सकती है, उसको देखभाल कर सकती है, अपने बच्चों को अच्छे टीच कर सकती है। इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जैसे आपको यहाँ पे बता दिए गए कि वो नर्सिंग, टीचिंग, डॉक्टर, हेल्थ विजिटर एंड सुपरवाइजर हर रोल अदा कर सकती है। द मेजर रीजन ऑफ एजुकेट द फीमेल इज दैट इट इज देयर बेसिक राइट अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन। जो हमारे मजहबी राइट्स होती हैं एक एजुकेटेड फीमेल उसको अंडरस्टैंड कर सकती हैं, यानी वो अपने ऊपर जुल्म सितम को बर्दाश्त, क्योंकि हमारे इस्लाम में भी औरतों को तालीम हासिल करने की पूरी पूरी इजाजत है। इस्लाम हैज गिवन द राइट ऑफ गेटिंग एजुकेशन टू एवरी बॉडी रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, क्योंकि इस्लाम ने ना सिर्फ मर्द को बल्कि औरत को भी, जेंडर मर्द और औरत दोनों को तालीम हासिल करने की पूरी इजाजत दी है। If we stop the female for acquiring education, we go against the teaching of Islam. अब अगर हम females को education के लिए allow नहीं करते तो ये हम क्या करते हैं कि Islam की मुखालफत करते हैं। So today we just read a half chapter for your understanding. You have read this chapter in your home once a time and Now come on page 37. We have some words meaning. You have do this in your note copy. We have 6 words meaning. You have do in this your note copy. Now question number 2. We have some dictation words. Female, progress, supervisor, proper and successful. You have also do these dictation words in your note copy. Hopefully you understand today's lecture. Stay home, stay safe. Allah.